उदाहरण 6, एक शंकु का व्यास 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। शंकु का वक्र पृष्ठ और आयतन ज्ञात कीजिए। हल, माना शंकु की त्रिज्या r सेंटीमीटर, ऊंचाई h सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई l सेंटीमीटर है। दिया है शंकु की ऊंचाई h बराबर 8 सेंटीमीटर, शंकु का व्यास 2r बराबर 12 सेंटीमीटर, शंकु का त्रिज्या r बराबर 6 सेंटीमीटर। शंकु की तिर्यक ऊंचाई, L बराबर वर्गमूल S की घात 2 धन R की घात 2 या बराबर वर्गमूल H ऊंचाई जो है वो 8 है, 8 की घात 2 धन त्रिज्या 6 है तो 6 की घात 2 बराबर वर्गमूल 8 का वर्ग 8 गुणित 8 64 धन 6 का की घात 2 बराबर 6 गुणित 6 36 बराबर वर्गमूल 64 और 36 का योग 100 और वर्गमूल 100 बराबर 10 सेंटीमीटर। शंकु का वक्र पृष्ठ बराबर पाई आर एल होता है, तो पाई के स्थान पे हमने पाई रखा, गुणा त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर और एल तिर्यक ऊंचाई जो है हमारी हमने ज्ञात किया 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर बराबर 6.60 पाई वर्ग सेंटीमीटर। इस तरह से हमने शंकु का वक्र पृष्ठ बराबर पाई आर एल सूत्र में आर के त्रिज्या का मान 6 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई L का मान जो हमने ज्ञात किया था 10 सेंटीमीटर रखने पर 60 पाई वर्ग सेंटीमीटर ज्ञात किया। इसी तरह से शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई R की घात 2 H बराबर 1/3 गुणा पाई गुणा आर का मान है त्रिज्या, आर त्रिज्या का मान है 6 सेंटीमीटर, 6 गुणित 6 और ऊंचाई है एच जो है ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 अट्ठे 96 पाई घन सेंटीमीटर। इस तरह से 96 पाई घन सेंटीमीटर हमने ज्ञात किया शंकु का आयतन। तो सबसे पहले हमने शंकु की तिर्यक ऊंचाई L का मान जो है सूत्र L बराबर वर्गमूल h स्क्वायर s की घात 2 धन r की घात 2 में ऊंचाई और त्रिज्या का मान रख के 10 सेंटीमीटर ज्ञात किया शंकु की तिर्यक ऊंचाई। फिर शंकु का वक्र पृष्ठ जो है सूत्र जो होता है पाई आर एल में त्रिज्या 6 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर का मान रख के 60 पाई वर्ग सेंटीमीटर ज्ञात किया। और उसी तरह से शंकु का आयतन जो है जो सूत्र होता है 1/3 पाई आर की घात 2 एच
इसमें त्रिज्या 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर को रखा, और हल करने के बाद हमें इसका उत्तर 96 पाई घन सेंटीमीटर प्राप्त हुआ। यह इस उदाहरण का हल होगा।